संगत जी प्यार से बोलिए धनंकार। आप सभी इन्हें जानते हैं, हमारे कैलाश भगत जी पुरातन संत हैं, पुरातन महात्मा हैं। इनसे सासंगत हम भक्ति के गुण सीख सकते हैं, तो इनसे हम यही पूछ रहे हैं। दास 1969 में सतगुरु बाबा गुरुवचन की गोद में बैठ के और निहाल सिंह निहाल जी से इस परम पिता परमात्मा की अनुभूति की, और जैसे ही उन्होंने इस परम पिता परमात्मा को दिखाया, मतलब नौ द्वारे हटाते ही दास अचंभित हो गया कि ये तो मेरे साथ पहले भी था, लेकिन माया का पर्दा था, बिना सतगुरु के ये पर्दा हटता नहीं है और किसी की ताकत भी नहीं है, क्योंकि ये चाबी समझ लो या करामात समझ लो, कुछ भी इसे समझो, ये सतगुरु ही इस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर सकता है, क्योंकि सतगुरु और निरंकार एक होता है। ये रूप धर के आता है, अपनी देह बदल के आता है। गीता में भी अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं हरि युग में आता हूँ, ये ना समझो कि बस अब आया फिर कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरा रूप बदलावा होता है, ये माया वाले मुझे जानते नहीं हैं। जो मुझे निज स्वरूप से जानते हैं, तत्ववेताओं से कहा जाता है, उनकी शरण में जाओगे और दंडवत नमस्कार करके कहोगे हे प्रभु मुझे इस परम पिता परमात्मा से मिला दे, वो जानकार होगा तो क्षण भर में मिला देगा, और मिलाने के बाद में आप इसको अपना बना लो और इससे बातें भी कर सकते हो, और जो भी चीज़ चाहिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पुकारो ये तुम्हारी सुनेगा, क्योंकि कण कण व्यापी है। और इसके प्राप्त करने के बाद में सबसे पहले तो हमारे जो भ्रम भूले के पड़े हुए थे, कैसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इनसे हमारा बिल्कुल छुटकारा हो गया, क्योंकि जब पूरा विश्व इस निराकार परमपिता परमात्मा के अधीन है तो फिर उनसे क्या डरना। और वास्तव में डर भी तब से खत्म हुआ है दास का, ज़्यादा तो सेवा दल में जब भर्ती हुआ वहाँ ड्यूटियाँ लगी, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद में ये ताकत आ गई कि इससे बड़ा कौन है, तू क्या करेगा,